वेलकम बैक टू आवर चैनल सी एस सी कंसेप्ट विद परिंदा। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जी टी यू का आज ही ऑफिशियल सर्कुलर आया है, आज के ही डेट में 17 दिसंबर 2020, राइट। तो आज के ही डेट का ये सर्कुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ शेयर इट विद ऑल द जी टी यू गाइस, बिकॉज इस सर्कुलर में फाइनली वो चीज़ के बारे में बताया गया है जिसका सारे स्टूडेंट्स को वेट था कि आखिर आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और होंगे भी तो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा या कब होगा। तो गाइस, फाइनली आपके विंटर 2020 एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे फाइनल न्यूज़ आ गई है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि इतना सब डिस्प्यूट हुआ ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो सब के बारे में, बट फाइनली डिसीजन ये लिया गया कि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर आ गया है, ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा आपका विंटर 2020 का, राइट। मतलब पहले जैसा होता था उसी तरह से आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर में जाके ऑफलाइन वहाँ बैठ के पेन एंड पेपर में डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम देना होगा। सो गाइज़, ये देखिए सारे कौन से सेमेस्टर का और कौन से ईयर का एग्ज़ाम होगा वो पूरा यहाँ पे दिया है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ऑब्वियसली ऑफिशियल सर्कुलर है, आप जाके वो चेकआउट भी कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज का, बी फार्म, डी फार्म, एमसीए आईसी, एमबीए, एमबीए आईसी, एमबीए पार्ट टाइम, मैनेजमेंट, डीआर्क, डीवॉक, एमई, एमआर्क, ये सारे जो कोर्सेज हैं उनके सारे इन सेमेस्टर या ईयर वालों का ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ये फाइनल न्यूज़ है। और अभी तक डिटेल टाइम टेबल नहीं आया है। डिटेल टाइम टेबल ऐसा बोला गया है कि जी टी यू की वेबसाइट में जल्द ही आ जाएगा, बट अभी के लिए जस्ट डेट यहाँ पे दे दी गई है, आप देख सकते हो 1/1/2021, मतलब दिसंबर ऑलमोस्ट आधा, ऑब्वियसली आधे से ज़्यादा दिसंबर ख़त्म हो गया। और अब ये जो सर्कुलर है उसमें ये बोला गया है जनवरी पहली तारीख से, 1 जनवरी से आपके एग्ज़ाम्स चालू हो जाएंगे ऑफलाइन मोड में। और एग्जैक्टली टाइम टेबल क्या है वो जल्दी जी टी यू की वेबसाइट में आ जाएगा। और देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। पहला ये है कि स्टूडेंट पोर्टल में जाके आप लोग आपके जो हॉल टिकट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आपके घर पे, देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अगर अभी जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए वापस स्पेशल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं? पहला ये केस है कि अगर आप या आपके घर पे कोई भी कोविड पॉजिटिव है, लास्ट कुछ दिनों के अंदर अगर आप में से कोई भी कोविड पॉजिटिव साबित हुए हैं, अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपको अभी एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में आप स्पेशल एग्जामिनेशन दे सकते हो। या फिर आपके अलावा अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो आउट ऑफ द सिटी चले गए हैं, आउट ऑफ द स्टेट दूर है, वो अभी एग्ज़ाम देने नहीं पा पाएंगे, या कोई फॉरेन स्टूडेंट्स है जो फॉरेन से ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जो कोविड की वजह से या बहुत दूर रहने की वजह से अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको क्या करना है, अगर आपका ऐसा कोई सीरियसली जेन्युइन केस है तो आपके आपका जो रिसेंट आपका जो पेरेंट टेक्नोलॉजी है, आपका जो सॉरी पेरेंट इंस्टीट्यूट है, जो भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, आपको उस कॉलेज में रिक्वेस्ट करना है, रिटर्न में आपको प्रूफ देना है कि हाँ आप जो भी बोल रहे हो जेन्युइनली बोल रहे हो। और अगर आपका रिक्वेस्ट जेन्युइन हुआ तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो जी टी यू से बात करेगा और आपको ये मौका दिया जाएगा कि आप भी एग्ज़ाम ना दें, आप को बाद में स्पेशल एग्जामिनेशन देने दिया जाएगा। बट लेट मी टेल यू कि बाद में जो स्पेशल एग्जामिनेशन होगा वो भी ऑफलाइन मोड में ही होगा और इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव ही होगा, ठीक है। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न या स्ट्रांग रीज़न नहीं है तो आप अभी एग्ज़ाम दे दीजिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। उसके अलावा क्या बोला है, उसके अलावा बस उतना ही बोला है कि एग्जैक्टली कौन से डेट से चालू होगा, टाइम टेबल क्या है, किसका कौन से दिन चालू होगा, ये सारी चीज़ें आपके जी टी यू वेबसाइट में जल्द ही आ जाएगा। इसलिए आप लोग आपके जी टी यू वेबसाइट को चेक करते रहिए, और वरना आपको जैसे पता है हर एक जी टी यू न्यूज़ की तरह ये न्यूज़ भी जैसे ही आ जाता है जितना जल्दी हो सके मैं आप तक पहुँचाने का पूरा ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द जी टी यू स्टूडेंट्स ताकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ सब तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और इसके बाद जैसे ही कोई भी अपडेट आता है, I'll definitely let you know. Thank you so much.